नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज स्टूडियो 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका टाइटल है डेड हैंड, रशिया का ऐसा अस्त्र जिससे अमेरिका तक घबराता है और जल्दी भिड़ता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस टॉपिक पर हिंदी में इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगी। दोस्तों, रशिया के इस खतरनाक हथियार, या यूँ कहें डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सन 1939 से लेकर 1945 तक चलने वाला विश्व युद्ध था, जिसमें लगभग 70 देशों की थल, नभ और वायु सेनाएं सम्मिलित थीं। इस युद्ध में विश्व भर के देशों ने लगभग 10 करोड़ सैनिकों को भाग दिलाया था। इस युद्ध में लिप्त सभी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक क्षमताएं पूरी तरह से इस युद्ध में झोंक दी थी। दोस्तों, इस युद्ध के समापन के बाद भी सोवियत संघ और यूएसए के बीच में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चलता रहा, जिसमें दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर हथियार बनाने की मानो होड़ सी मच गई हो, जहां एक तरफ सोवियत यूनियन परमाणु हथियार बनाता, वहीं दूसरी तरफ यूएसए दुगुना परमाणु हथियार बनाकर तैयार कर देता। यही नहीं, दोनों देशों ने अपने अपने अलायंसेस में मिसाइल्स तक तैनात कर दी थीं। कुछ मिसाइल्स को यूएसए ने तो यूरोप में तैनात किया, वहीं कुछ मिसाइल्स को सोवियत संघ ने क्यूबा में तैनात कर दिया। फिर हुआ ये कि यूएसए के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को सन 1980 के दशक में एक ख्याल आया कि क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो मधुमक्खियों की तरह यूएसएसआर या सोवियत यूनियन को डरा दे और शीत युद्ध से बाहर ले जाकर उसका खर्चा बढ़ा सके। आपको बताते चलें कि रोनाल्ड रेगन के इस फैसले को महान कहा गया, क्योंकि वे स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव यानी कि SDI, जिसे आगे चलकर स्टार वॉर्स भी कहा गया, इस विचार को वे ही लेकर आए थे। इसलिए क्योंकि ये विचार अंतरिक्ष में एक मिसाइल डिफेंस शील्ड यानी कि मिसाइल का एक रक्षा कवच तैयार करना था। परिणाम स्वरूप ये सोवियत संघ को डराने में सक्षम रहा। सोवियत यूनियन ने सोचा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिसाइल शील्ड स्पेस में होगा, तो सोवियत संघ के पहले हमला करने से अमेरिका बच जाएगा, और वहीं अगर अमेरिका ने काउंटर अटैक किया तो यूएसएसआर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोवियत यूनियन पीछे हटने वाले देशों में से नहीं था। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो कि सिर्फ एक महाशक्ति ही कर सकता है। उन्होंने एक डोन शेप्ड डिवाइस बनाया, जिसे कि डेड हैंड कहा गया। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस बात की पुष्टि कभी भी रूस ने नहीं की। कुछ डेटा और पश्चिमी लोगों के इंटरव्यू और थोड़े से वास्तविक सबूतों से पता चलता है कि डेड हैंड एक प्रिमिटिव कंप्यूटर की तरह था, जो कि सन 1985 के आसपास अस्तित्व में आया था। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये अमेरिका पर परमाणु अस्त्रों की बारिश कर दे, मगर ये हमला तभी करेगा जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर पहले हमला किया हो। चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये पेरिमीटर कंप्यूटर यानी कि डेड हैंड ज़्यादातर समय के लिए नेटवर्क कवरेज से निष्क्रिय रहता था, मगर आपातकाल के समय रूसी सेना इसका इस्तेमाल कर सकती थी, और एक बार जब ये सक्रिय हो जाता है तो इसे अकेले छोड़ दिया जाता है।
तब ये 15 मिनट के लिए एक्टिव रहता है, फिर अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन 15 मिनट के अपने ऑनलाइन के दौरान ये लगातार सोवियत कमांड सेंटर के साथ संपर्क में रहता है और देश भर के सेंसेस और डेटा लेता है और उसे कमांड सेंटर को दे देता है, और वहाँ बैठा कमांडर कमांड देकर अमेरिका पर कभी भी अटैक करा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।